मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों से खास बात करने आया हूं। निश्चित रूप से आप लोग मेरा थंबनेल देखकर आए होंगे कि सर आज क्या खास बताने वाले हैं। तो निश्चित रूप से यह एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। आप सबसे अनुरोध है कि आप इसे अंत तक जरूर देखें। और मैं यह कोई इंस्पिरेशनल लेक्चर नहीं है जो आप प्राय वीडियो में देखते हैं, कोई आपको इंस्पायर्ड करके चला जाएगा, बल्कि यह आपके काम का लेक्चर है। और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे हिंदी साहित्य के माध्यम से बहुत हाइट तक जा सकते हैं, उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको वेबसाइट पर कुछ ढूंढना होता है, जैसे कि आप ये मेरा देख रहे हैं कि गूगल का मैंने ब्राउजर ओपन किया हुआ है, यहाँ पर आपको ढूंढना है हिंदी आलोचना, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास। ये आपने देखा, तो आमतौर पर छात्र क्या करते हैं, तुरंत ही YouTube पर नहीं चले जाते, वो अपने मोबाइल में देखते हैं कोई टॉपिक उनको देखना है, तुरंत रिफर करना है, तो वो क्या करते हैं कि अपने कोई भी जो उनके पास सर्च इंजन है, ब्राउजर है, वहां पर जाते हैं और ऐसा टाइप करते हैं। जैसे कि आपको देखना है हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, तो ये आप टाइप कर देते हैं और आप यहाँ ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बहुत सारे आपने सर्च किए तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल गए। जैसे एक hindikunj.com करके एक वेबसाइट है, इसको आपने ओपन किया तो यहाँ पर इनके पूरी जानकारी आपको मिल गई। ये देख पा रहे हैं आप, अब यहाँ पर हिंदी आलोचना का उद्भव विकास मैंने टाइप किया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा वीडियो भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टॉप नंबर पे रैंक कर रहा है ये हिंदी आलोचना का उद्भव विकास। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट में पहुंच जाते हैं। तो ये तो छात्रों को हमेशा मुझसे शिकायत रहती है कि सर आपके लेक्चर्स अच्छे होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जब भी किसी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ तो मेरा उद्देश्य होता है कि भली भांति मैं छात्रों को समझा पाऊं। इसलिए क्या होता है, मुझे बहुत वक्त लगता है, बहुत सारी किताबों को मैं रिफर करता हूं। और आमतौर पर जो छात्र होते हैं, जैसे किसी के पास समय कम है, वो उस कंटेंट को खाली पढ़ना चाहता है, वीडियो लेक्चर देखना नहीं चाह रहा है, तो अब वो कैसे करेगा। तो उसके लिए मैं वीडियो में, हालांकि मैं PDF देता हूँ हर लेक्चर में, तो छात्र वहां से डाउनलोड करके पढ़ भी लेते हैं। वास्तव में यह चैनल ही पूरा आप लोगों के लिए है, मैं पब्लिक डोमेन में हूँ, यूट्यूब पर हूँ, मतलब मैं कुछ देने के लिए आया हूँ, कुछ छुपाने के लिए नहीं आया हूँ। तो जो कुछ मेरे पास है वो सब आप लोगों का ही है, और मेरे सभी लेक्चर्स के नीचे आपको PDF के लिंक दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि यह बहुत मेहनत का काम है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो कुछ छात्रों का कहना था कि सर आपके जो लेक्चर्स हैं उनके जो PDF हैं उनके किताब ही छपवा दीजिए, जैसे पाश्चात्य का शास्त्र वगैरह। और छात्रों की जिज्ञासाएं भी कुछ अलग टाइप की होती है। एक छात्र ने मुझे पूछा था, सर क्या पाश्चात्य काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य सिद्धांत एक ही है? तो देखिए, शास्त्र मतलब क्या है, बहुत सारे सिद्धांतों का संकलन होता है। जैसे भारतीय काव्य शास्त्र हम बोलते हैं तो उसमें आचार्य भरत मुनि का रस सिद्धांत होगा, फिर अभिनव गुप्त हैं, भट्ट लोलट हैं, शंकुक हैं, आचार्य शंकुक हैं, इन सभी के सिद्धांत को मिलाकर भारतीय काव्य शास्त्र का निर्माण होता है, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अभी के विद्वान भी आ जाते हैं। वैसे पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, शास्त्र मतलब किताब, बहुत सारे सिद्धांतों का कलेक्शन होता है। जैसे लुंजाइनेस का उदात्त सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, प्लेटो का काव्य सिद्धांत, इन सारी चीजों को मिलाकर क्या बन जाता है, शास्त्र बन जाता है। शास्त्र मतलब ग्रंथ या किताब जिसमें बहुत सारे विद्वानों के सिद्धांतों का संकलन है। तो ऐसी छोटी छोटी जिज्ञासाएं रहती है, और विशेष रूप से जो भारतीय काव्य शास्त्र है या फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र है या फिर हिंदी आलोचना है या हिंदी निबंध है, इसको समझ में छात्रों को बहुत ही परेशानी आती है। और इसलिए आपने देखा होगा कि मेरे लेक्चर्स भले ही आप लोगों को लंबे लगते हैं, लेकिन मेरे लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद सारी चीजें आपको समझ में आ जाती है। मतलब मेरा मानना नहीं है, छात्रों का यह कहना है, जो उनका फीडबैक मिलता है, आप लोगों से जो मुझे फीडबैक मिलता है वही बता रहा हूँ, मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा यहाँ पर। तो छात्रों की गुजारिश को देखते हुए मैंने अपना खुद का एक वेबसाइट बनाया हुआ है, और जहां पर जाकर मेरे नोट्स बहुत ही आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन वो चूंकि उसमें रहेंगे तो आपको वेबसाइट में जाकर देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, तुरंत रिफर कर पाएंगे। तो वही मैं बताने के लिए आपको कि मेरा वेबसाइट क्या है, आप यहाँ पर जाएंगे और टाइप करेंगे www.hindishikhar.com, www.hindishikhar.com। तो यह मेरी वेबसाइट है, अभी मेरे हार्डली 2-3 दिन हुआ है, और इसमें लगभग ये आप लाइव देख रहे हैं इसको, अभी तक देखिए 9096 लोगों ने इसे अभी तक देख लिया है। तो मेरे जितने भी लेक्चर्स होंगे वहां पर आपको मैं PDF तो उपलब्ध कराऊंगा ही, मेरा YouTube में मैं आपको पढ़ाते ही रहूंगा,
लेकिन चूंकि मैं बहुत ज्यादा रिसर्च के स्टेज पर जाकर मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो मेरे लेक्चर्स की संख्या बहुत कम होती है, इससे आपको शिकायत भी होती है। लेकिन मैं कंटेंट के साथ, कंटेंट के स्तर पर, सामग्री के गुणवत्ता के स्तर पर मैं कभी समझौता नहीं करता हूँ। आपने आपने देखा भी होगा कि मेरे जो भी कंटेंट रहेंगे भले ही आपको लेंदी लगेंगे, लेकिन जो मैं समझाता हूँ या जो मैं वक्त लेता हूँ, तो मेरा वह सामग्री बहुत ही स्तरीय सामग्री रहेगी। शायद इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा वक्त भी लगता है, तो आप मेरी परेशानी समझ रहे होंगे। और मैं कोई प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर या एजुकेटर नहीं हूँ। मेरा उद्देश्य बस सिर्फ इतना है कि इस राष्ट्र ने, इस समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो थोड़ा बहुत मैं लौटा सकता हूँ। इस राष्ट्र के, इस समाज के ऋण से मैं ऋण नहीं हो सकता, मेरे गुरुजनों का जो ऋण है मेरे ऊपर उससे ऋण नहीं हो सकता मैं, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा बहुत मैं कुछ सकारात्मक योगदान देने का पहल जरूर कर सकता हूँ। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। और आप देखे होंगे कि मैं दिन भर यूट्यूब नहीं बनाते रहता, रोज मेरे को अपना सब्सक्राइबर बढ़ाना है प्रोफेशनल टाइप का। यहाँ तक कि मुझे आप सब्सक्राइब करें करके कहने में भी संकोच होता है, दिल की बात बताऊं तो हालांकि ये सब मैं कहना नहीं चाहता, दिल की बात ज्यादा आपसे नहीं करूंगा। तो ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी साहित्य करके मेरा यहाँ पर मैंने हेडिंग दिया हुआ है। तो भारत हिंदू हरिश्चंद्र की कविता में नवजागरण, समाज सुधार तथा राष्ट्रीय चेतना, अज्ञेय के उपन्यास, शेखर एक जीवनी का वस्तु और शिल्प, मतलब ये तुरंत रिफर करके पढ़ सकते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र, ऐसे आपको हेडिंग दिखेंगे, काव्य प्रयोजन, भारतीय काव्य शास्त्र, काव्य के लक्षण, जैसे काव्य प्रयोजन है। और इसका फायदा एक और होगा, ये देखिए इससे आपको क्या फायदा हुआ। एक तो YouTube की तुलना में आपको पढ़ने में कम समय लगता है, तत्काल आप रिफर कर सकते हैं, YouTube में तुरंत आपको टाइम लगता है, यहाँ पर क्या तुरंत आप पढ़ सकते हैं 10-15 मिनट में लंबे लंबे टॉपिक को, पढ़ने में कम समय लगता है। दूसरा फायदा क्या है, इस वेबसाइट पर जिसको हम ब्लॉग भी बोलते हैं, पूरा ब्लॉग भी वेबसाइट है, ब्लॉग और वेबसाइट यहाँ पर दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर जो मेरे नोट्स हैं उसको मैं समय समय पर अपडेट करते रहूंगा, यहाँ पर जो आप कंटेंट, जो मेरा आर्टिकल देख रहे हैं इसको मैं समय समय पर अपडेट करते रहूंगा। कहीं से कोई अच्छी चीज मुझे मिलेगी किसी किताब से, तो मैं यहाँ पर लाकर उसको अपडेट कर दूंगा। तो इसका दूसरा फायदा यह है, पढ़ने में कम समय लगता है और अधिक से अधिक लोगों तक इसकी पहुंच रहेगी। और ज्यादा से ज्यादा पाठ्य सामग्री, विशेष रूप से जब आपकी परीक्षाएं आती हैं तो बहुत सारे आपके डिमांड रहते हैं और वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, वीडियो को बनाना, फिर उसको एडिटिंग करना, फिर आप लोगों तक पहुंचाना। और यहाँ लिखने में क्या है, बहुत आसानी से मैं आप लोगों को अपनी पाठ्य सामग्री उपलब्ध करा पाऊंगा। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर। और सामग्री के स्तर पर मैं कभी कंप्रोमाइज नहीं करता, बहुत सारी किताबों को मैं पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपना कोई लेक्चर या फिर आर्टिकल लेकर आता हूँ। जैसे हिंदी आलोचना है, हिंदी आलोचना में अभी काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था कई यूनिवर्सिटीज के उसमें है, तो इस पर मैंने आज ही अपलोड किया हुआ है, तो इसमें आपको कंटेंट ज्यादा मिलेंगे, पढ़ने में बहुत ही आसानी रहेगी। देखिए, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी निबंध। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहां पर आप पहुंच जाएंगे। तो ये जैसे मैं आपको कुछ जो हेडिंग है बता देता हूं, मैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, मैथ्यू आर्नल्ड की आलोचना दृष्टि, सभी मेरे आर्टिकल आपको यहाँ पर मिलेंगे। चूंकि अभी यह शुरुआत है तो सिर्फ यह जानकारी देने के लिए, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत। तो जो भी परीक्षा उपयोगी सामग्री और आपको लिखने का तरीका मिलेगा, कैसे आपको अपने आइडियाज को प्रेजेंट करना है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर प्रस्तावना, फिर यहाँ डिटेल में लिखा है, फिर मैंने लिखा है निष्कर्ष। तो आपको पता चलेगा कि किसी भी चीज को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं परीक्षा में। उसके बाद छायावाद, ऐसे बहुत सारे शीर्षक मैं बनाऊंगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य का विशेषताएं, कामायनी का महाकाव्यात, तो यह सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी और मैं इस पर बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। इसके बाद शोध और अनुसंधान, तो जितनी भी परीक्षाएं आपकी होती होंगी उसमें काम के पूरे आर्टिकल आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे अनुसंधान का अर्थ, स्वरूप और विशेषताएं, अभी यह सर्च इंजन पर नहीं आ पाएगा क्योंकि 2-3 दिन ही हुआ है मुझे और मैं पिछले 1 महीने से इसी काम में व्यस्त था। पिछला जो मेरा 1 महीना रहा है इस काम में बहुत ज्यादा बिजी रहा कि इस वेबसाइट को डेवलप करने में, इसीलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाया यूट्यूब को। और हिंदी में जैसे करियर, विविध विषय है यहाँ पर, ये हिंदी में करियर के अवसर, तो हिंदी में कितने प्रकार के करियर हो सकते हैं। अगर आप हिंदी के छात्र हैं और हिंदी के माध्यम से आप अपनी जिंदगी में ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं, शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, तो क्या क्या करियर के विकल्प उपलब्ध हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पर मैंने, मेरा जो पहला वीडियो था इस चैनल का वह यही है, हिंदी में करियर के अवसर और रोजगार की संभावनाएं। तो अब मैं चाहता हूं कि आप मेरा YouTube का जो पहला वीडियो है उसको भी आप जाकर देखें। तो यह मेरा पहला वीडियो था,
और आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे वेबसाइट को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे और इसे फॉलो भी करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएंगे। जैसा हिंदी में करियर के अवसर पर ये मेरा आर्टिकल है, इसमें देखिए कितने सारे रोजगार के अवसर है, शासकीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर, और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी जानते हैं तो क्या रोजगार के अवसर हैं, प्राइवेट में क्या है। इसके बाद जो परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हैं जो विभिन्न विश्वविद्यालयों के सिलेबस में होते हैं सीधा, जैसे प्रयोजन मूलक हिंदी है, बच्चे इस पर प्रश्न चाहते हैं उत्तर, प्रयोजन मूलक हिंदी में प्रयोजन मूलक हिंदी, प्रयुक्तियां और व्यवहार क्षेत्र, तो ऐसे में लगभग सभी टॉपिक्स जितने भी होते होंगे आपके परीक्षाओं में आते होंगे, इवन कॉम्पिटिशन एग्जाम का भी, यह मैं इसमें लाने का प्रयास करूंगा वेबसाइट के माध्यम से, तो बहुत जल्दी और आप आसानी से इस पर रिफर कर पाएंगे। और आप लिखने की आदत डालिए, मेरे कंटेंट को देखकर आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि लिखने की आदत अगर छूट जाती है हिंदी में तो फिर आपको बहुत ही परेशानी होती है किसी भी भाषा में, तो आप लिखते रहिए। तो यहाँ पर अभी तो बहुत, मैं 26 आर्टिकल डाला हूँ यहाँ पर, इसको जाकर जरूर देखें, ये विविध विषय के अंतर्गत भी कुछ आर्टिकल हैं, और इसका इंटरफेस मैंने बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, बहुत ही आसानी से आप पहुंच सकते हैं। इधर कैटेगरीज मैंने डिवाइड किया हुआ है, राइट साइड में देख सकते हैं। इसके बाद आप जरा नीचे आएंगे तो मेरे रिसेंट पोस्ट कौन से हैं जो मैं हाल में मैंने अपडेट किया है, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, विलियम वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, जिस पर मेरा यूट्यूब चैनल का जो मेरा यह वीडियो जो बहुत ज्यादा रैंक कर रहा है फर्स्ट पोजिशन में, हिंदी में करियर के अवसर, प्रशासनिक हिंदी की चुनौतियां और समस्याएं, प्रयोजन मूलक हिंदी, प्रयुक्तियां और व्यवहार क्षेत्र, ये पॉपुलर पोस्ट है मेरे, ये प्रयोजन मूलक हिंदी परीक्षाओं में आता है आप जानते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप पढ़कर अच्छा नंबर ला सकते हैं। ये देखिए प्रयुक्ति का आधार, सारी चीजें हैं, बहुत मेहनत किया हुआ इस पर, और ये आप लोगों के लिए है, ये मैं अपना वेबसाइट अपना यूट्यूब जो भी बना रहा हूँ मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। मेरा उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूँ, कोई मेरा व्यावसायिक उद्देश्य यहाँ पर नहीं है, और मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके थोड़ा सा कंटेंट ला पाता हूँ, क्योंकि मैं गुणवत्ता से कोई समझौता करना नहीं चाहता। तो इस वीडियो के नीचे आप जरूर लिखकर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा, और मेरे उस चैनल यहाँ पर जाएं आप मेरे वेबसाइट में www.hindishikhar.com, और नीचे मैंने इसका लिंक भी दे दिया है, और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, पहले मैं जो टेलीग्राम चैनल बनाया था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो नया टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं नीचे दे दिया हूँ, तो वहां पर भी जाकर देखें और मुझे जरूर बताएं कि मेरा यह प्रयास आप लोगों को कैसा रखा कैसा लगा। और मेरा यह जो लेक्चर का जो सीरीज है यूट्यूब में वो बराबर जारी रहेगा, और वहां पर जो मैं आपको नोट्स देता हूँ पीडीएफ में, हर लेक्चर का पीडीएफ आपको मैं वहां पर देने का प्रयास करूंगा, कभी कभी भूल जाता हूँ तो छात्र मुझे बता देते हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को मुझसे कुछ शिकायतें होंगी तो जरूर मैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगा, लेकिन यह मेरा छोटा सा और विनम्र प्रयास है, और मुझे आपके सपोर्ट इसलिए चाहिए कि आप लोगों के लिए बना रहा हूं मैं, तो आप लोग अधिक से अधिक फॉलो करें। अभी मुझे देखिए कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, इसमें मैं होम पर आ जाता हूं, अभी मेरे को 5 लोग फॉलो कर रहे हैं इस पे, तो आपको कोई भी मैं डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 फॉलोअर्स हो गए हैं मेरे 2-3 दिन में, और 9155 ये अभी तक यहाँ पर हिट्स आ चुके हैं, यहाँ पर इतने लोग विजिट कर चुके हैं 2-3 दिनों में। दोबारा मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, 9156 हो गया, एक बार और रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको मैं, ये देखिए 9159। तो इस तरह इसको बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोग भरपूर प्यार देंगे, और इसमें कुछ कमी भी रह गई होगी, कुछ त्रुटियां भी हो सकती है, तो जरूर उस ओर आप मेरा ध्यान आकर्षित करें ताकि हम इस वेबसाइट को बहुत ही अच्छा बना सकें, और यह आप लोगों के काम आए। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप इस तुरंत रिफर कर पाए, आपका कोई एग्जाम है, आपको स्टैंडर्ड नोट्स पढ़ना है, क्योंकि मैं 8-10 किताबों को बहुत गंभीरता से अध्ययन करने के बाद मैं यहाँ पर कोई कंटेंट लेकर आता हूँ, चाहे यूट्यूब हो चाहे मेरा आर्टिकल हो, तो आप इस बात का जरूर ध्यान में रखें कि बहुत सारी स्तरीय पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने के बाद मैं आप लोगों के लिए पाठ्य सामग्री बनाता हूं। और दूसरा मेरा मुख्य उद्देश्य है जो कठिन अवधारणाएं हिंदी साहित्य की, हिंदी साहित्य में बहुत सारी कठिन अवधारणाएं जो आपको समझ में नहीं आती है, जैसे हिंदी निबंध है या फिर हिंदी आलोचना है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र है या फिर भारतीय काव्य शास्त्र है, तो मेरा उद्देश्य रहता है कि इन चीजों को कैसे सरल करूं ताकि छात्र हिंदी में रुचि लें। और यदि आप अपने सब्जेक्ट से प्यार करते हैं तो आप किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो हिंदी साहित्य कोई निरस और शुष्क विषय नहीं है जिसको आप दूसरे विषय की तरह इसकी पढ़ाई करें, तो हिंदी पढ़ने के लिए आपको बहुत ही प्यार से बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ना होता है।
मतलब हिंदी साहित्य, आप खुशकिस्मत है कि आप हिंदी के छात्र हैं, हिंदी साहित्य के छात्र हैं, तो आपके मन में गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। आज हिंदी किसी अन्य भाषा से किसी भी मामले में कम नहीं है, और हिंदी में भी करियर की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन आपको उसके लिए एक्सपर्ट बनना पड़ता है। अगर आप अपनी विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप आईएएस बन सकते हैं, हिंदी साहित्य का रिजल्ट आजकल बहुत अच्छा रहता है। तो मेरा यह प्रयास रहेगा कि जो भी छात्र मेरे इस वेबसाइट तक पहुंच जाता है उसको बहुत ही स्तरीय सामग्री मिलेगी, और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें और लाइक करें, यहाँ पर मतलब फॉलो करें, और इसके बारे में अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। तो मैं तो अपना प्रयास जारी रहूंगा, जारी मेरा रहेगा प्रयास हमेशा, जैसा मैं पहले करते रहा हूँ। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कितने लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं नहीं करते हैं। अंत में मैं सिर्फ यही कहूंगा आप लोगों से, हर मोड़ पर क्षमा जलाना है मेरा काम, हर मोड़ पर क्षमा जलाना है मेरा काम, है रुख हवा का किस तरफ मैं देखता नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।